अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैत के चारपाई को कंधा देने का मसनून तरीका क्या है? आज हम लोग देखते हैं कि मैत को लेकर के लोग जा रहे होते हैं और जनाजा में कोई बीच से पकड़ता है, कोई आखिर से पकड़ता है, कोई शुरू से पकड़ता है, कोई दाएं जानिब पकड़ता है, फिर बाएं जानिब पकड़ता है। तो ये तो सही ठीक है, लेकर के चलना चाहिए, लेकिन मसनून तरीका क्या है, जनाजे को कंधा देने का मसनून तरीका क्या है, और मसनून तरीका अगर हम जान लेंगे और फिर उसके ऊपर अमल करेंगे तो हमें और ज़्यादा सवाब मिलेगा, और दूसरी बात यह कि सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिल जाएगा। तो जनाजे को मसनून कंधा देने का मसनून तरीका ये है कि जनाजे की जो चारपाई है उस चारपाई के हम पहले दाहिने जानिब जाएंगे और अपने कंधे के दाहिने जो है मैयत के जनाजे को जो है अगला पांव होता है चारपाई का, उस अगले पांव के जो है चारपाई को अपने पहले दाहिने कंधे पर रखेंगे और 10 कदम तक चलेंगे। फिर जो है 10 कदम चलने के बाद पीछे जानिब आ जाएंगे, दाहिने ही जानिब फिर 10 कदम पीछे पांव की तरफ आ जाएंगे और दाहिने कंधे पर पीछे पांव को जो है 10 कदम तक लेकर के चलेंगे। ये दाहिने तरफ हो गया। फिर अब हम आ जाएंगे बाएं तरफ, मैयत के जनाजे के बाएं तरफ आ जाएंगे और बाएं तरफ आ करके मैयत के जनाजे के जो चारपाई है उस चारपाई के अगले पैर की तरफ चल जाएंगे और फिर बाएं कंधे पर मैयत के जो है बायां जानिब उसके अगले पैर को अपने कंधे पर रखेंगे और 10 कदम फिर चलेंगे। और 10 कदम चलने के बाद फिर जो है उसके जो है पीछे पांव की तरफ आ जाएंगे और फिर उसके पिछले पांव को जो है अपने बाएं तरफ जो है अपने बाएं कंधे पर रख करके फिर 10 कदम चलेंगे। तो ये जो है मैयत के जनाजे को कंधा देने का मसनून तरीका हुआ। अगर हम इस तरीके को जान करके और इस सुन्नत पर अमल करने के लिए सब अगर जो है जनाजे को अगर हम कंधा देंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा और उस सुन्नत पर अमल करने का भी हमें सवाब मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रात को ये बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।